दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में छा गए बॉलीवुड वाले। साल 2023 में जो फूल खिलाया था, अब उसका फल इन स्टार्स को मिल गया है। शाहरुख खान से लेकर नयनतारा और एनिमल वाले लॉर्ड बॉबी सबने दादा साहेब फाल्के अवार्ड में धूम मचा दी है। अपनी अपनी फिल्मों से गदर कमाई कर लेने के बाद, रिकॉर्ड बना लेने ब्रेक कर देने के बाद, अब सबसे बड़े अवार्ड फंक्शंस में भी इन स्टार्स ने अपनी पैट जमा ली है। जी हाँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के सम्मान से नयनतारा को नवाजा गया है। और ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, इसमें आपके फेवरेट एक्टर और फिल्में भी शामिल हैं, जिसको सुनकर आप भी खुशी के मारे झूम उठेंगे। तो आइए अब बिना एक्स्ट्रा टाइम जाया किए जान लेते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में किन किन स्टार्स को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। बता दें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित हुआ था, जहां बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स अपने ग्लैमरस अंदाज को फ्लॉन्ट करते हुए पहुंचे थे। इंडियन सिनेमा जगत के सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड बीती शाम अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, जहां जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहरुख खान को मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नयनतारा ने बाजी मार ली। इतना ही नहीं, शाहरुख खान ने जवान के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड अपने नाम करने के बाद से अपनी खुशी भी जाहिर की। इवेंट में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के बाद शाहरुख खान ने स्टेज पर स्पीच दी। उन्होंने कहा, शुक्रिया जूरी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझको बेस्ट एक्टर के लिए लायक समझा, और बहुत साल हो गए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला था, तो ऐसा लगने लगा था कि अब मिलेगा ही नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे अवार्ड बहुत अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ा लालची हूँ, ग्रीडी हूँ। वही बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड अपने नाम किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी इस अवार्ड के अधिकारी भी थे। उनके अलावा बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव अवार्ड और किसी को नहीं मिल सकता था, क्योंकि उन्होंने एकदम किलर परफॉर्मेंस एनिमल में दी थी, जिसकी गवाह पूरा हिंदुस्तान और दुनिया बनी थी। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले संदीप रेड्डी वांगा ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा फिल्म सैम बहादुर में अपने दमदार अभिनय के लिए विक्की कौशल ने बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। इतना ही नहीं, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्र को जवान के लिए मिला है। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल वरुण जैन को तेरे वास्ते फ्रॉम जरा हटके जरा बचके के लिए अवार्ड दिया गया है। कुल मिलाकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बॉलीवुड स्टार्स की चांदी ही चांदी हो गई है। वेल, अगर आप भी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 को देखना चाहते हैं, तो ये OTT प्लेटफॉर्म पर Z5 पर अवेलेबल है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।